hello students of class 7 welcome back in my video number 41 as you know that we have started our revision i have given you uh, chapter number 3 short question answer in my last video okay now <coughs> this is your chapter number 3

क्वेश्चन नंबर टू किया है एंड वी हैव डन क्वेश्चन नंबर फोर वी हैव थ्री लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर ठीक है तो आप ऐसा करें कि इसमें से ये जो है तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लर्न करें और लर्न करने के बाद इसे अपनी सेपरेट कॉपी में ही जिस तरह जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं तो उसी तरह आप लोग इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी जो है वो आप उसी कॉपी में लिख लीजिएगा ठीक है इसी तरह चैप्टर वाइज हम अपना काम कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं जो आ, बुक में एक्सरसाइजस हैं जैसे ये देखें आपके पास हमारे पास एक्सरसाइज ए होती है ये एक्सरसाइज ए है चूज द करेक्ट आंसर ठीक है ना ये एक्सरसाइज ए है चूज द करेक्ट आंसर ठीक ये हो गए और बुक में आपके पास अक्सर पेजेस पे नाउ यू नो भी मौजूद है वो और इसके अलावा ये जो हमारे पास नेम द फॉलोइंग आता है एक्सरसाइज बी में ये सारे ये सारे चैप्टर्स के साथ साथ भी आपने लर्निंग करनी है तो इन तीनों एक्सरसाइज ये दोनों एक्सरसाइजेस भी करें और बुक में जो नाउ यू नो मौजूद है वो डेफ़िनेटली ज़रूर पढ़ें मैचिंग द फॉलोइंग होता है वो भी आप लोग करें ठीक है ना सारी चीज़ें आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लें अपना ठीक है ये आपकी चैप्टर नंबर थ्री की प्रिपरेशन हो जाएगी इन आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करने के बाद लिख लिए हैं और अब आप डिटेल क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये तीनों याद करेंगे और याद करने के बाद आप इसे लिख लेंगे अगर इसमें से आप ऐसा करें कि तीनों तीन अगर याद नहीं कर पाएँ तो आप कम से कम क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर फोर ये दोनों क्वेश्चन डेफिनेटली याद करेंगे और इसके साथ साथ जो इनमें डायग्राम्स हैं जैसे लाइफ साइकिल में क्वेश्चन नंबर वन में ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वाम है इसके अंदर डायग्राम भी मौजूद है आपकी तो आपने उसकी भी प्रैक्टिस करनी है ये देखे मैं आपको कॉपी दिखा देती हूँ ठीक है ये आपकी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉम है ठीक है ये आपने डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है ये आपका छोटा सा आंसर है इसके पॉइंट पॉइंट हैं इसमें सारे ये ठीक है ना ये क्वेश्चन नंबर टू अभी छोड़ दीजिए ठीक है और ये क्वेश्चन नंबर थ्री आपका एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वूल टू यान ठीक है ना ये आपने याद करना है ठीक ये भी पॉइंट्स में है और इसके ये सेवन पॉइंट्स हैं ठीक है थीके? इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है इसके साथ साथ आपने यू नो you know, और उसके अलावा चूज द बेस्ट आंसर्स और नेम द फॉलोइंग ये सब याद करेंगे और इसे सेपरेट कॉपी में लिखेंगे नाउ यू नो वग़ैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आंसर्स लिखिएगा ठीक है ऑल द बेस्ट यू ऑनेस्टली काम कीजिएगा देख के काम नहीं करना है ठीक है याद कर लें फिर उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिएगा कॉपी पे ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज़